मुझ में आपको इमरान हाशमी नजर आते हैं, भीगे होंठ प्यासा दिल मेरा, ये ठीक है रब तक हुसन दिते पर एडा मान घुमड़ ना कर। अच्छा तो सीना टोली दे जाया करो। बहुत जल्दी मेरा एक न्यू मुशायरा आ रहा है जो आप देखेंगे, और जैसे आपने मुझे पहले प्यार किया था वैसे दोबारा प्यार कीजिएगा, मैं आपकी मुंतजिर हूँ। जब आप गुस्से में हो तो गुस्सा आपका किस तरह कम होता है? अच्छी बातें करने से। आप बहुत प्यारे, आपकी आंखें बहुत प्यारे, यू आर आईज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यू आर इट इट्स गोल्ड डायमंड 32 नाइस मुस्कान। आप इंग्लिश कितनी गंदी बोलते हैं। देसी एंकर इतनी गाती है। जैसा कि माहौल चेंज हो चुका है, आइमा जी मुस्कुरा रही हैं और हम भी मुस्कुरा के सवाल पूछेंगे। एक जाती से सवाल करना चाहता हूँ, आपने रास्ते नहीं होंगे। मुझ में आपको इमरान हाशमी नजर आते हैं, भीगे होंठ प्यासा दिल मेरा, भीगे होंठ नहीं है। तो नाजरीन जैसे कि आपने देखा है कि शान पाकिस्तान को देखते रहिए कि जी बिल्कुल, और भीगे होंठ भी। प्यासा मन मेरा लगे अब के साल, ये गाना अच्छा है। और वो आप नहीं हूँ, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है होंड भी वापस लेता हूँ। ओके ओके थैंक यू सो मच। अच्छा जो हमारे जो अल्लाह लास्ट में इस तरह मुस्कुराते हुए आपके जो फैन हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका मुशायरा सुनना चाहते हैं और बहुत शिद्दत इंतजार भी करते हैं कि आपका मुशायरा नहीं आ रहा, जो लोग आपको पसंद करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज सब अपने हिफ्ज़ ईमान में रहें, और बहुत जल्दी मेरा एक न्यू मुशायरा आ रहा है जो आप देखेंगे, और जैसे आपने मुझे पहले प्यार किया था वैसे दोबारा प्यार कीजिएगा, मैं आपकी मुंतज़िर हूँ। और मैं फिर ये काविश कर रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। जैसे ही कॉमेडी चल रही है आजकल स्टेज पे, इसी तरह की कॉमेडी मैं अपनी शायरी में भी लेकर आऊँगी। लवली भी होंगे, सैड भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और आपके हुसन पे मैं एक शेर सुनाऊं सराकी? शेर और वो आप? जी जी देसी एंकर। जी जी पहली बार। जी जी ए ठीक है रब तक हुसन दिते पर एडा मान घुमड़ ना कर। अच्छा तो सीना टोली दे जाया करो। टोली क्या होता है? टोली क्या होता? अक्सर ना गरीब शीमेल जाती है। शेर में अपना मुकम्मल करके दूंगा। जी जी ये ठीक के तक रब हुसन दिता है। अच्छा इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हो, मतलब ठीक तरह बोलो ना, पूरे मर्द बन के। ये क्या है, मैं टोली वाली बात तो नहीं की आपको। ये ठीक रब तक ये ठीक है रब तक हुसन दिता पर एडा मान घमंड ना कर। हाँ जेड़े झड़ गए वो लह वैसन इवें सावे यार खरंड ना कर। जे सांझ प्यार दी पाती है वल भई वाली दी वंड ना कर। बेशक शाकिर को कंड कर वन दिल काबा है ही को कंड ना कर। वाह 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 वाह, क्या बात। देखे आपने जिसका दोड़ा सुनाया ना, वो बंदा रिस्पेक्ट के काबिल है। ओरिजिनल शायर जिसे कहते हैं, पावर वाला शायर, वो शाकिर शोजाबादी साहब हैं। अल्लाह पाक ने उनको दिमाग इतना दिया है कि वो कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं और कमाल लिखते हैं। उनका एक एक दौड़ा, कोई भी दौड़ा उठा के देख लें, उसमें मार्फत भी है, उसमें प्यार भी है, उसमें मोहब्बत भी है, उसमें बेवफाई भी है। मतलब हर इंसान हर मूड में बैठ कर वो सुन सकता है। शाकिर साहब हमारी शान है, हमारी आन है, पाकिस्तान का नाम है पूरी दुनिया में। बेशक जहां जहां सराइकी पंजाबी उर्दू बोली जाती समझी जाती, वहां वहां शाकिर साहब का शेर पढ़ा भी जाता है। बेशक अल्लाह पाक उन्हें इज्जत दे और सेहत याबी की जिंदगी अता करे। वो आजकल बीमार हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग शाकिर साहब को जानते हैं उनकी दुआएं उनके साथ हैं। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा। डॉक्टर आइमा जी के साथ बहुत सी गुफ्तगू हुई
और आपको हमारी बातें कैसे लगी कमेंट्स करके हमें लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, और शान पाकिस्तान के साथ डॉक्टर अहमद जी का एक साझा रिश्ता है, ये हमारे साथ साथ रहेंगे, इनके मुशायरे भी हमारे ही चैनल से आपको मिलेंगे, और जल्द ही इनका मुशायरा आएगा। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर अहमद जी को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ी। भीगे होंठ, सॉरी कैमरामैन, भीगे होंठ नहीं चलेगा, कैमरे के पास नहीं चलेगा।